हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज यूएसपी वायरस के बारे में बताऊंगा आपको। अक्सर हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि यूएसपी में वायरस आ जाता है जो कि शॉर्टकट वायरस होता है, और उसमें जैसे मैं माई पीसी में गया, तो मैंने ओपन किया और ये मेरी ड्राइव एच है, ये मेरी ड्राइव फुल ऑफ डेट है, लेकिन इसमें ये सारे मेरे शॉर्टकट्स, जितने भी मेरे फोल्डर और फाइल है, ये सारे शॉर्टकट्स फाइल बन चुके हैं, पर इनमें से मैं कुछ भी ओपन करता हूँ तो ये ओपन नहीं होता। और अगर ओपन इसको कई दफ़ा अगर आपका सिस्टम एंटीवायरस है तो वो इसको ऐसा वायरस फीड करेगा या फिर आपकी फाइल वर्कआउट नहीं करेगी, ओपन नहीं होगी। तो इसको किस तरह रिमूव करना, कि आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी इसको स्कैन कर ले, आपका वायरस भी डिटेक्ट नहीं होगा और ये जो फाइल है ये शॉर्टकट फॉर्म में आ चुकी है और ये यहाँ से ओपन भी नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप माई पी सी में और यहाँ से जो आपने यू एस पी है इसकी आपने देखना है कि इसका नाम क्या है, ये ड्राइव कौन सी है, ये आपके पास ड्राइव एच है। आप इधर से देख सकते हैं ड्राइव एच, यहाँ से यहाँ तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आपने चेक करना कि ड्राइव का एट्रीब्यूट क्या है, ये ड्राइव एच है, ये हमने यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद हम कमांड पर मोड ओपन कर लेते हैं, जिसे हम सी एम डी बोलते हैं, कि मैंने सी एम डी ओपन कर लिया। अब इधर आके आपने जो ड्राइव थी उसको अपने यहाँ सेट करना, उसका तरीका है एच कॉलन। जब आप ये करेंगे तो ये मेरा ड्राइव एक्सपेक्ट हो गई है। इसके बाद आपने अपनी ड्राइव में, आपको मैं बताता हूँ, ये है डेल, डेल स्पेस स्टैटिक डॉट लिंक, ये आपने यहाँ से कॉपी करना है और सेम आपने इधर मैंने लिख दिया जो कि है डेल के पास स्पेस डॉट स्टैटिक डॉट LNK। अब ड्राइव थ्री में जब ड्राइव एच है और अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे जितने भी उसमें लिंक है वो डिलीट हो गए हैं। उसके बाद मेरा जो सेकंड इसका स्टेप है वो ये है कि हमने पहले तो हमने शॉर्टकट वायरस डिलीट कर दिया फ्रॉम दिस कमांड। अभी हमने जितनी भी हमारी फाइल्स है उसको रिस्टोर करना है कि वो ओपन हो सके। उसके लिए ये ये कमांड यूज होती है जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कि मैं डिस्क्रिप्शन में ये कमांड्स लिख दूंगा ताकि आप उधर से इजीली इसको कॉपी कर सके, और अगर आप वहाँ से नहीं भी कॉपी करते तो आप इजीली यहाँ से सी एम डी से देख के भी आप इसको राइट कर सकते हैं। ये मेरी आ गई एट्रीब्यूट स्पेस माइनस एस स्पेस माइनस आर स्पेस माइनस एच स्पेस स्लैश एस स्पेस स्लैश बी और ये स्पेस स्टैटिक डॉट स्टैटिक। अब मैं इसको जब एंटर कर रहा हूँ तो अभी ये वर्कआउट कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है और ये हमें बता देगा अभी के क्या सोल्यूशन। टाइम ले रही है, ये देखिए दिस इज नाउ इज ओके। नाउ आई विल गो टू माय ड्राइव एंड लेट्स सी ये ड्राइव मैं शॉर्टकट पर से रिमूव हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो फाइल पहले कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था, जो सब लिंक था, अभी मैं कुछ भी ओपन करता हूँ तो नाउ एवरीथिंग इज ओपन। ठीक है, ये आपको मेरे यूएसपी में वायरस आया हुआ था और मैंने आपको उस पर दिखाया था, ये सारे लिंक थे, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था, और जब मैंने सी एम डी ये कमांड के थ्रू इसको किया तो ये मेरे वायरस रिमूव हो गया। तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन की, ये जो एट्रीब्यूट एस है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये कमांड लिखी थी,
इसमें जो एस है ये बेसिकली सिस्टम फाइल्स को रिमूव करता है जो उसका वायरस होता है। आर जो है वो रीड ओनली फाइल्स को रिमूव करने के लिए, एच जो है वो हिडन फाइल्स, अगर कुछ हिडन फाइल हो चुकी है तो उसको वापस ले आएगा। इसी तरह जो एस है वो आपकी डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में कुछ वायरस है उसको रिमूव कर देगा। डी जो है वो आपके तमाम फोल्डर, जब हम डी ये स्लैश डी यूज़ कर रहे हैं तो आपके तमाम फोल्डर्स को पे अप्लाई हो रहा होता है। और इस तरह उसके बाद आपने सिंपली अपने एक दफ़ा अपना जितना डाटा है इसको आपने कॉपी कर लेना है। पहले से वंस यू हैव डन ऑल दैट, कंसीडर कॉपिंग ऑल योर फाइल्स ऑफ टू द एक्सटर्नल डिवाइस, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को आप कॉपी करके और एक दफ़ा अपनी यूएसबी फॉर्मेट कर ले। और अपनी यूएसबी फॉर्मेट करने के बाद आप दोबारा अपना डाटा इधर बैक ला सकते हैं, फिर वापस कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।